हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आज फिर से श्रेया इजी होम किचन में आप सभी का स्वागत है। आज आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मूली के पराठे कैसे बनाएं, बहुत ही इजी वे में आपको बनाना मैं सिखाऊंगी। और ये ठंड में ही अक्सर बनाया जाता है और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। रेसिपी को आगे शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक श्रेया इजी होम किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड में लगा हुआ बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आधा के जी मूली को अच्छे से साफ़ करके धो लेंगे और फिर इसका छिलका निकाल लेंगे। मूली के पराठे बहुत ही पौष्टिक होते हैं और इसे अक्सर सदियों में लोग बनाया करते हैं। इसके बाद हम इसे किसी भी कद्दूकस से बहुत ही अच्छे से घस लेंगे। यहाँ पे हम सारे घसे हुए मुरई में आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करके इसे 5 से 10 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे और तब तक यहाँ पे हम पराठे बनाने के लिए इसका आटा गूंथ के तैयार कर लेंगे। एक कटोरी आटे में हमें आधा छोटा चम्मच नमक, थोड़ा सा अजवाइन, एक चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी आधा छोटा चम्मच खाने का सोडा और 2 से 3 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट आटा इसका गूंथ के तैयार करना है और यहाँ पे मैं ऑयल लगा के आप इसे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। तब तक हमें स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे हाथों से अच्छे से दाबते हुए मूली का पानी निकाल लूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे सारी मूली में से पानी निकाल लिया है। स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ पे ले रही हूँ 2 छोटे चॉप की हुई प्याज, थोड़ी सी क्रश की हुई मूँगफली, थोड़े से क्रश किए हुए गार्लिक, जिंजर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा फ्रेश धनिया। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक कढ़ाई जहाँ पे 2 से 3 बड़ा चम्मच घी ऐड करेंगे। अब घी को थोड़ा सा गर्म करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और थोड़े से लहसुन। 1 मिनट इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आप इस तरह से पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी क्रश की हुई मूँगफली और बारीक कटे हुए प्याज, यहाँ पे मैंने 2 प्याज का इस्तेमाल किया है, पे हमें प्याज हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है। 1 से 2 मिनट इसे भी हम भून लेंगे। प्याज को हल्का सुनहरा भून लेंगे। यहाँ पे प्याज भी हमारा हल्का सुनहरा भुन चुका है। इसके बाद हम इसमें घसे हुए मुरई ऐड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मुरई बिल्कुल ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर भी आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे बहुत ही थोड़ी सी लाल मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है और सारे मसालों और इंग्रेडिएंट्स को एक साथ हम हल्के से भून लेंगे। यहाँ पे हम मसालों को अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। देखेंगे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सारे इंग्रेडिएंट्स में से। अब मैं यहाँ पे इसका मुरई थोड़ी सी कड़वी होती है, यहाँ पे मैं इसलिए थोड़ी सी शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दें और आधा छोटा चम्मच गर्म मसाला और यहाँ पे मैं थोड़ी सी फ्रेश कटी हुई धनिया पत्ता भी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक बार और इसे अच्छे से चला दें और मसालों को अच्छे से ठंडा कर दें। Thank you.
दबाते हुए इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेल लें। वाले पराठे को भी हम सेक लेते हैं। आप चाहे तो इसे मीडियम फ्लेम पे आप इसे सेक सकते हैं ताकि पराठा और क्रिस्पी बने। आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी लगा लूँगी। पराठे का मज़ा तो असली घी से ही आता है। तो इसे दोनों तरफ से बिल्कुल हल्के आंच पे सेक लें। अगर आप इस तरह से पराठा बना के तैयार करेंगे तो आपका पराठा बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। आप सभी को आज की रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।